बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं चौधरी अशोक साहू। चौधरी अशोक साहू मूर्तिकार, कवि, समाजसेवी, रंगकर्मी के रूप में अपनी सारी प्रदेश में पहचान बनाए हुए हैं। आप 1986 से अद्भुत गणेश प्रतिमाओं का निर्माण करते आ रहे हैं, जिसकी ख्याति मुंबई तक पहुंच चुकी है, मुंबई से बुलावा तक आ चुका है। नगर में 2 माह पूर्व से कुतूहल का विषय रहता है कि अब की बार किस वस्तु की प्रतिमा का निर्माण होगा। चौधरी ने अभी तक नारियल, कबीट, मुरमुरा, बूंदी, नमकीन, सेब, दाल, चना, घना, साबुदाने, फूल, सितारे, मूर्ति, आइसक्रीम, चम्मच, बूंदी, लड्डू, डिस्पोजल, चूड़ी, मखमल, मक्का, मूंगफली, मखाने, बटन, माचिस की तीली आदि से बगैर सपोर्ट के प्रतिमा तैयार कर चुके हैं। चौधरी की प्रतिमा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और जल के जीव जंतु का आहार होती है। आप इनका जन्म गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर में 12 बजे हुआ। साहू को यह कला प्रेरणा से प्राप्त हुई है। नकाल 2020 में आपने मक्के के द्वारा गणेश प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया। प्रतिमा के निर्माण में 7 किलो मक्का, फेविकॉल के द्वारा प्रतिदिन 12 से 14 घंटे लगाकर मेहनत, बिना किसी के सहयोग से यह मूर्ति का निर्माण किया। इस मूर्ति में सिर्फ दाने के सपोर्ट के अलावा अन्य कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। यह विचार करने योग्य है। अशोक चौधरी से हमारे संवाददाता ने बात भी की। देखिए बीना से हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह राजपूत की खबर। हमारे द्वारा बनाई गई 34 प्रतिमा। पहले आप कौन सी बना चुके हैं इसमें? पहले कौन कौन सी बना चुके हैं आपके प्रतिमा? इससे पहले हमने चम्मच की बनाई थी, आइसक्रीम की चम्मच रहती है, फिर उसके बाद अभी आपने इसमें साबुदाना फिर उसका किया है, मक्का। और कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है? आप अध्यक्ष जी, इस बारे में कुछ जानकारी दें। मैं यहाँ करीब 28 साल से साउथ समाज का अध्यक्ष हूँ। उसके और पहले से 5-7 साल पहले से भाई अशोक कुमार चौधरी जी मूर्तियाँ बनाते आ रहे हैं और इन्हें हर प्रकार से दालों की, चम्मचों की, लकड़ी की चम्मच, मक्का और जैसे कि नारियल, हर प्रकार से उन्होंने गणेश जी बनाए हैं। उसी कार्यक्रम में उन्होंने मक्का गणेश बनाए हैं। ये हमारे समाज के गौरव हैं और इनकी बनाई प्रतिमा पब्लिक और दूर दूर के लोग देखने आते हैं। समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, ये बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छे मैकेनिक भी हैं और मूर्ति कलाकार भी हैं। इनकी जितनी तारीफ कम की जाए उतनी कम। आप एक बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, ईश्वर की कृपा से ये हर प्रकार मूर्तियाँ बनाते हैं।